हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में, और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। नहीं देखिए, इस सवाल के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में उनकी अज्ञानता बिल्कुल साफ झलकती है, क्योंकि हमारी मान्यताओं के मुताबिक, इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक, जो दुनिया का सबसे पहला इंसान है जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, जो हिंदुस्तान में आया सबसे पहला इंसान, वो मुसलमान था। उनकी जो वाइफ थी हजरत हव्वा, वो भी मुसलमान थी। जन्नत से उनको उतारा गया हमारी मान्यताओं के मुताबिक, और वो अल्लाह के नबी थे, नबी मैसेंजर ऑफ गॉड। जैसे मोहम्मद साहब मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हज़रत आदम सबसे पहले मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाद के मैसेंजर ऑफ गॉड, जो 1500 साल पहले आए। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आए, ये अज्ञानता है, उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। हाँ, एक बात में थोड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो 90% कन्वर्ट हैं। हमारे जो परदादा सकरदादा, उससे पहले जो लोग थे वो हिंदू थे, और हमने अपने दादा दादी को देखा है, दादी को हमने देखा है कि उनके अंदर वो रस्म रिवाज थे, इस तरह के जो हिंदुवाना रस्म रिवाज हैं। अब आगे चलकर फिर लोग पढ़ते गए, बच्चे पढ़ते गए और समझते गए, और वो चीज़ें हटती गई। ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है उनकी, और कुछ लोगों को खुश करने वाला बयान है। यह तो यथार्थ है, यह सच्चाई है, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जब बात होती है काशी विश्व ज्ञानवापी की, जब बात होती है मथुरा की, और जब बात होती है और भी, जो मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद के गुंबद बनाए, तो उसमें मैं यही तो कहता हूँ कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। और यहाँ पे जितने धर्मांतरण हुए वो वही है, तो इसलिए इनके पूर्वजों पे तो खुद ही जो है मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया, और इनका धर्मांतरण कराया, तो इसलिए तो यहाँ के मुस्लिमों को जो मुगलों के प्रतीक है सबसे आगे आके मिटाना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं, कभी ये कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, तो कोई नई बात नहीं करी। अब 6वीं-6वीं शताब्दी में इस्लाम का जन्म होता है, तो उसके बाद ही तो उसका फैलाव होगा, विस्तार होगा। तो कहना क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई नई बात हो या लोग न जानते हो तो कहने का मतलब होता है। तो गुलाम नबी जी सभी जानते हैं कि इस देश का जो मुसलमान है 100% यहीं का है, और विवेकानंद जी को याद करने का समय है इस समय, मुस्लिम बने क्यों। विवेकानंद जी ने सही बात कही थी कि इसलिए बने थे कि जातिवाद से लोग त्रस्त थे। तो गुलाम नबी आज़ाद जी क्यों कहे, ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। मुझे तो मतलब इनका समझ में आ नहीं रहा। देखिए, ये बात सच है, कांग्रेस से मैं विधायक रहा हूँ और वो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे, मेरे साथ काम किया, अच्छे आदमी है। और जहाँ तक बात है, ये तो बात सच है, जम्मू कश्मीर में 40% के करीब हिंदू हैं, 60% के करीब मुस्लिम हैं, और उस 60% मुस्लिम में 29.4% गुजर मुसलमान हैं जो कन्वर्टेड हैं, और आज भी उनकी जो सोच विचार सब चीज़ें बिल्कुल देश हित में रहती है, जनहित में रहती हैं, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे बगैर तनख्वाह लिए हुए सिपाही का काम करते हैं, और वो बिल्कुल पहले हिंदू गुजर ही थे। अब मैं इसमें कह नहीं सकता, ये तो आपको आज़ाद साहब से कहना होगा। आज़ाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आज़ाद साहब ही कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। जॉब्स के ताल्लुक से फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज़,
detailed analysis, in-depth interviews and explainers. Follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.